आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बड़े शहर की तर्ज पर अब अनूपपुर जिले में भी कार के शौकीन कार खरीद सकेंगे और वाहन की सर्विसिंग करा सकेंगे। शनिवार को जिला मुख्यालय सहित कोतमा नगर में भारत की अग्रणी कार निर्माता कंपनी शुभ मोटर्स का शुभारंभ एक साथ हुआ। अनूपपुर में विधायक रामलाल रौतेल और कोतमा में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी वर्मा के द्वारा रिबन काटकर शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कंपनी के संचालक व मालिक महेश केमतानी, शुभ मोटर कंपनी, सभी स्टाफ, नगर पालिका कोतमा से सभी भाजपा नेताओं के साथ कोतमा नगर पालिका अध्यक्ष मोहिनी वर्मा, अनूपपुर जिला अध्यक्ष आधाराम वैश्य, जिला उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा उपस्थित थे। अनूपपुर में यह शोरूम तहसील के समीप और कोतमा में बनिया टोला पेट्रोल पंप के नजदीक प्रारंभ किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद थे। कि आपके विचार ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी आपने मारुति कंपनी के शोरूम और सर्विस सेंटर जो उपलब्ध आपने कराई है, जिससे आस पास क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। लोगों को पहले शहडोल सर्विस सेंटर के लिए जाना पड़ता था, परंतु आपने आज ही 12 बजे अनूपपुर में शुभारंभ आपने किया और 4 बजे आप कोतमा में इसका शुभारंभ करा रहे हैं। आप हुए थे शुभ मोटर्स कोतमा के उद्घाटन के लिए, नए शोरूम के उद्घाटन के लिए। विगत नए सोपानों पर चढ़ते हुए हमने शुभ मोटर्स कोतमा का आज उद्घाटन किया, जहां सर्विस, सेल्स और बॉडी शॉप तीनों चीज़ों की व्यवस्था हमने उपलब्ध करवाई हुई है, जो कम से कम 15 से 16 हज़ार स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इसके पहले आज हमने अनूपपुर कोतमा में सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया हुआ है। सेल्स जहाँ 2015 से दे रहे थे, इसी प्रकार से 2011 से शुभ मोटर्स शहडोल ने अपनी नींव रखी थी। शहडोल अंचल के लोगों को अपनी गाड़ियों को मारुति सुजुकी के प्रदाता के रूप में और नए सुपारों पे चढ़ते हुए आज हमने शुभ मोटर्स का 9वें सेंटर का उद्घाटन किया हुआ आज अनूपपुर के अंदर। अनूपपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।